पौधों से सजी है यह धरती प्यारी, बारिश की बूंदों में होती है इनकी तैयारी, हरियाली की चादर ओढ़ लेती है जब जमी, लगता है जैसे कुदरत ने खुद सजाई हो महफिल सारी। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत। तो आज मैं बारिश के मौसम में अपने इस प्लांट को, जो प्लांट का नाम है पहली उमिले या ड्रैकेना, ड्रैकेना के नाम से ही खास से जाना जाता है। तो यह पौधा काफ़ी समय से इसकी जड़ें गमले के ऊपर भी आ गई थी और मिट्टी कम और जड़े ही जड़े काफ़ी हो गई थी। तो काफ़ी समय से मैं वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी बारिश के मौसम का कि जब बारिश होगी तब मैं यह पौधा निकाल के इसके रूट्स की कटिंग करके फिर से इसे रिपोटिंग करूँगी। तो आज काफ़ी बारिश हुई और मेरा यह पौधा निकालने का चांस भी बन गया। तो देख ही सकते हैं आप कितना पूरा रूटी रूट से भरा हुआ है, पूरी जड़ों से भरा हुआ है। इसकी रिपोटिंग मैंने मतलब 3-4 साल पहले भी की थी, तब से आज कर रही हूँ इसकी रिपोटिंग। और तभी भी यह पौधे का जो जड़ था वो मैंने जब निकाला तो पूरा घोंसले टाइप का बन गया था और मैंने एसी के जो बाहर विंडो एसी होता है उसके ऊपर रख दिया था। तो काफ़ी चिड़ियाँ आती थी, देख के जाती थी कि ये मतलब घोंसला है या क्या है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आता था ना। तो उन्होंने खैर घोंसला भी नहीं बनाया उसका, मैं सोचती थी घोंसला ही बना दें। तो आज भी इसकी जड़ें उसी तरह से निकल आई है और इसे मैं फिर से लगा दूंगी। और अब इसकी पुरानी मिट्टी को अच्छे से निकालती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ इस पौधे को। और यहाँ मतलब कि आप जब भी ऐसा करो तो रेनी सीजन में ज़रूर से करना, बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं करना, या तो फरवरी में कर सकते हैं आप, अक्टूबर में भी कर सकते हैं, जब मौसम मतलब मध्यम सा होता है, बीच का वाला मौसम होता है तब ज़्यादा अच्छी होती है। और बरसात में तो बहुत ही अच्छी इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और यहाँ देखिए और भी मेरे पौधे निकल आए इससे, तो इन्हें मैं इंडोर वाले उसमें बनाऊंगी, जो छोटे छोटे से बॉन्चैना वाले वो होते हैं ना पॉट्स होते हैं उसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए ये 10 इंची वाला गमला है, तो इसी में दोबारा से मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगी। और अब जाती हूँ पार्क में नई सी मिट्टी लेने के लिए। तो यहाँ पार्क है और देखिए कैसे झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। और जब तक यह वीडियो आपके पास में आएगा तब तक हो सकता है 3-4 दिन बीत जाएँ, इतनी अच्छी बारिश दिल्ली में मतलब बहुत कम देखने को मिली इस बार। और ये मैं ले आई हूँ मिट्टी, और इसमें खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, आप 1-1.5 साल में एक बार खाद डालेंगे तो उतना ही चल जाएगा। तो ये मैं इसके अंदर जहाँ से होल होते हैं ना उसमें पत्थर लगा दूँगी और फिर इसमें मैंने डालनी है मिट्टी। और ये देखिए ये है खाद जो मैं कोटद्वार से अपनी मामी के यहाँ से लाई ना, मामी ने मुझे काफ़ी सारी कट्टा भर के खाद दे दी थी, गोबर वाली खाद दे दी थी बहुत अच्छी वाली, तो उसी को मैंने एक बाउल भर के डाला है और मिट्टी के साथ मिला दूंगी। पुरानी मिट्टी का यूज मैं मिक्स करने में कर देती हूँ या तो मैं पार्क में डाल आती हूँ, क्योंकि पुरानी मिट्टी से पूरे जो वो होते हैं न्यूट्रिशंस होते हैं वो निकल चुके होते हैं, तो उसे पार्क में ही डालना ठीक होता है ताकि वो फिर से और मिट्टी के साथ शामिल होकर के फिर से उसमें न्यूट्रिशंस मिल जाएं। तो मैंने पार्क में डाल दी थी और पार्क से फिर दूसरी मिट्टी लेकर आ गई थी। तो ये मैं इस गमले को भर दूंगी मिट्टी से। तो इसके लिए गर्मियों में भी यहाँ पौधा चल जाता है बहुत, इसके लिए मतलब ये धूप में भी चलने वाला पौधा है, ठंडियों में भी बहुत हरा भरा रहता है और घर की सजावट के लिए, ऑफिस की सजावट के लिए इससे अच्छा पौधा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह पौधा बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है।
और एक पौधा आप लाएंगे इससे कई पौधे बन जाते हैं, इसके स्टेम से भी पौधे बन जाते हैं, नीचे से अपने आप भी पौधे आ जाते हैं, तो बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। और पानी का आपको इसमें ऐसा ख्याल रखना है कि जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी हुई सी लगे फिर आप पानी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी यह पौधा नहीं मांगता है, बस मिट्टी नमी बनी हुई होनी चाहिए मिट्टी में, तभी यह हरा भरा रहेगा। देखिए मैं ऊपर तक इसलिए मिट्टी भर रही हूँ, आजकल बरसात है तो बहुत ज़्यादा, अभी मतलब रिपोर्ट किया है तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें ख़राब हो सकती है और पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने अभी ऊपर तक मिट्टी भर दी है और ये गीली होकर के सूखी होकर के थोड़ी जगह भी बना लेगी, नीचे चले जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मिट्टी भर दी, तो इसलिए इसका खास कारण यही है। और देखिए कितना यह लंबा पौधा हो गया है, कहते हैं कि गमले में 6 फीट से ऊंचाई में नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो 6 फीट से भी काफ़ी ऊंचा है। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये जिस जगह में यह पौधा मैं लगाती हूँ, थोड़ा चेंज करूँगी इस बार, उधर की साइड का प्लांट इधर लाऊंगी और इसे उधर लगाऊंगी, सोचा हुआ है मैंने, तो आपके साथ ज़रूर से बताऊंगी आगे वीडियो में। तो ये देखिए बहुत ही इतना मतलब कि सुंदर लगेगा यह पौधा, और नीचे से ये जैसे जैसे पुराना होता जाएगा नीचे से आपको डंडियां लगेंगी और ऊपर से हरा भरा होता जाएगा। और अब मैं रिपोर्ट करती हूँ जो एक्स्ट्रा पौधे निकले थे, अब मैं उन्हें इंडोर के लिए बना रही हूँ। तो इंडोर के लिए देखिए कितना प्यारा सा मेरे पास में यह पॉट है, इसमें पहले ही कुछ और प्लांट लगा हुआ था। इस बार काफ़ी गर्मी पड़ी थी, बहुत तेज़ धूप पड़ी थी, जिसके कारण काफ़ी पौधे खराब भी हुए। तो ये वाले गमले मेरे पास हमेशा रखे हुए रहते हैं, तो बस इसमें मैंने सोचा इस बार ये वाला लगा देती हूँ, अब अंदर के लिए अच्छे से काम आएगा। तो देखिए बताना कि आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर सा लग रहा है। और ड्रैकिना की यही खासियत होती है कि इसमें डबल सेडेड होते हैं और इसमें लाइनिंग बनी हुई होती है, बहुत खूबसूरत से पत्तों में लाइनिंग बनी हुई होती है, तो बहुत सुंदर लगता है। और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती है, एक मेरे पास में वाइट वाला भी है ड्रैकिना, एक वो भी है ब्राउन सा जो मेहरून सा होता है वो भी है, तो मेहरून वाला मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और वाइट वाला भी शायद से किया हो कभी। तो ये वाला देखिए ड्रैकिना कितना मेरा ये बड़ा, और ये एक जो मैं बोतल लगा देती हूँ 2 लीटर की कि इसमें मैं खाद भी डालती रहती हूँ, जैसे किचन वेस्टेज होता है, आलू के छिलके, केले के छिलके, एग सेल्स, वो सब मैं इसमें डालती रहती हूँ। और ये पॉट मैंने लगा दिया है यहाँ पे, अब ये 2 दिन बाद का रिजल्ट है कि जब मिट्टी सूख गई थी तो मैंने फिर ये थोड़ा सा सजावटी वाले स्टोन्स लगाए हैं जिन्हें राइस स्टोन्स कहते हैं, ये मेरे पास में रहते हैं हमेशा, अब तो ये मैंने इसमें लगा दिए ताकि सुंदर से लगे, मिट्टी मिट्टी सी ना दिखाई दे, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रंट का घर है तो सामने से दिखाई देता है, इसलिए मेरे पौधे आपको अक्सर सजे हुए दिखाई देंगे। हाँ बोतल का मैं पीछे की साइड रख देती हूँ, जैसे रख दी है और जैसे ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर बोतल में मैं पानी डाल देती हूँ, तो वो पानी नीचे से टप टप बूंद बूंद करके जाता रहता है। तो अब देखिए इसे ड्रैकिना को देखिए कि कितना फीट आपको यह लगता है, बहुत ही लंबाई इसने ले ली है, ये देखिए ये जो हमारी विंडो है ना उसके भी ऊपर चल गया है, ये देखिए यहाँ पे आपको याद होगा कि पहले दूसरा पौधा था, अब ये वाला मैं लगा रही हूँ। हमेशा चेंज करते रहना चाहिए घर का भी ये सजावट और बाहर की भी सजावट, तो आपका मन भी लगा रहता है और सुंदर भी लगता है घर। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और देखिए ये वाला जो इंडोर मैंने बनाया था वह एक साइड टेबल में रख दिया है, तो यहाँ पे 3-4 पौधे रखे हुए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से किया करें, लाइक किया करें, और हो सके अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और लाइक तो बनता है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।